हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आज का जो दिन है तो गणेश जी तो घर पे पधार चुके, तो आज चौथा दिन है गणपति जी को घर पे आए। तो आज सबसे पहले तो आप लोग अभी नीचे जाके गणपति जी का दर्शन करेंगे और आपको भी हमारे गणपति जी का दर्शन करवाएंगे और उसके बाद कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर दिन की शुरुआत होती है। चलिए बढ़ते। तो ये हमारे प्यारे से गणपति जी है और ये शैतान सा मेरा भाई है और ये हमारे पिछले साल जी के गणपति है, तो ये यहीं पे रहेंगे और जिस दिन गणपति विसर्जन होंगे तो वो वाले गणपति यहाँ पे आ जाएंगे। चाय नाश्ता कर लेते, इसको मैंने बोला टीवी लगाने को, भी मेरा टीवी चालू होगा। फिर दोपहर के खाने का टाइम आता है, इसमें सब्जी और पापा ने डाली है और मेरी आधी रोटी हो चुकी है, आधी इधर बेला रही है और इधर आटा है और ये हमारा तवा है। तो दोस्तों, मैंने ना साड़ी पहनी क्योंकि मुझे ना देवदास का एक डायलॉग है, उस पर मुझे एक रील बनाना है स्पेशल, मैं उसी के लिए रेडी हुई हूँ। बस एक दो भी नहीं, कभी कभी तो एक ही रील बनाती हूँ, लेकिन इतना मेकअप करती हूँ फिर उतारना पड़ता है। लेकिन रील बनाने का जिसको अच्छा लगता है, जिसको एक्टिंग का शौक होता है ना, वही जानता है कि ये करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मैं रील वगैरह बनाती हूँ। रील तो मैं बना चुकी हूँ, अभी मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने फ्रेश हो के फिर से ड्रेस चेंज कर लिया। ये मेरा स्पेशल ग्लास है, आप बोलोगे कितना बड़ा है, लेकिन मतलब जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी और ये फुल भर के दो तो प्यास ख़त्म हो जाती है। और मुझे पानी पीना अच्छा लगता है, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि पानी पीना अच्छा लगता है, पानी तो हर कोई पीता है, रोज़ पीता है, लेकिन मुझे पानी पीते रहना अच्छा लगता है, तो ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है। और उसके बाद मुझे आज मोदक बनाने, क्योंकि शाम को जब बापा मतलब गणपति जी की आरती होगी तो बच्चे लोग आते हैं ना, तो प्रसाद था तो ख़त्म हो गया है, तो मैं आज मोदक बनाऊंगी। तो अभी मैं पानी वगैरह पी के नीचे जाती हूँ, फिर कुछ सामान लाना है मुझे दुकान से, वो सामान लाऊंगी फिर मैं मोदक बनाऊंगी। तो ये सूजी है, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है क्योंकि मोदक में ये जब तक नहीं रहती तब तक मज़ा ही नहीं आता है। भूनने के बाद फिर इसका कलर ऐसा लाल लाल हो जाता है। फिर एक गड़ी है, मतलब इसको हम लोग अच्छे से कीस लेंगे, अच्छे से इसका कीस करने के बाद जो हमने सूजी भुना था उसमें डाल लेंगे। फिर ये चीनी और इसमें जो काला दिख रहा है ये इलायची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर इसको पीसने के बाद ऐसा होगा, ये सब हम लोग मिक्स कर लेंगे जितना हम लोगों ने सब बनाया है। मिक्स करने के बाद फिर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको हम लोग अभी चख नहीं सकते क्योंकि पापा को भी देना है ना, तो उनको प्रसाद चढ़ जाएगा तब हम लोग खाएंगे। फिर ये पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैंने मम्मी को आटा गूंदने को बोला है मोदक के लिए। ये मैदा है, आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हो, लेकिन मुझे मैदा पसंद है। मेरा सब सामान रेडी हो चुका है, तो अभी मैं मोदक बनाऊँगी, तो ये यहीं पे मैं भी मोदक बनाऊंगी, सब मोदक बना बना के रखूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा पहला मोदक मैंने बना लिया है, सब मैं हाथ से ही बनाऊंगी, मशीन का यूज मैं नहीं करती, हाथों से ही बनाना अच्छा लगता है। मेरे सारे मोदक तो तैयार हो चुके हैं, अभी मैं इनको तलूंगी। दो प्रकार के होते हैं, कोई उबाल के भी मतलब खाते हैं, कोई तलते भी, तो मुझे तले हुए ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं इनको तलूंगी, फिर आप उसके बाद आप देखना इनका जो फिर जो कलर आता है ना, वो तो बहुत खूबसूरत होता है। मेरे मोदक अभी फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद हल्का फ्राई होने के बाद इनका कलर ऐसा हो जाता है और फाइनली इनका कलर ऐसा हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं यार। मुझे मन कर रहा है अभी खा लूँ, लेकिन पापा को चढ़ाने के बाद। तो मेरे सारे मोदक तैयार है, मैंने गिन के नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी 21 मोदक बने। तो अभी मैं इनको दूसरी थाली में रख के सब बापा के सामने रखूंगी, फिर बाद में सब प्रसाद खाएंगे। तो बस बापा को प्रसाद चढ़ा दिए, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय।